मध्य प्रदेश में पत्रकारों से अभद्रता और मारपीट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला शिवपुरी के ग्राम पिपरा का है, जहां एक पत्रकार को किसानों की आवाज उठाना भारी पड़ गया है, जिसके चलते जहां मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार ने पत्रकार का मोबाइल छीन लिया, वही बामौर कला थाना के आरक्षकों द्वारा मारपीट की गई। दरअसल पूरा मामला खनिया थाना अंतर्गत ग्राम पिपरा के गेहूं उपार्जन केंद्र का है, जहाँ बारदान नहीं होने से किसान अपनी फसल की तुलवाई के लिए परेशान हो रहे थे। किसानों द्वारा मिली सूचना के बाद कृपाल सिंह लोधी मौके पर पहुंचे, जहां उन्हें मौके पर मौजूद पुलिस जवानों ने कवरेज करने से रोका और नायब तहसीलदार आदित्य सिंह गुर्जर को फोन लगा दिया। कुछ देर बाद नायब तहसीलदार आदित्य सिंह गुर्जर मौके पर पहुंचे तथा किसानों के साथ बदसलूकी एवं गाली गलौज करने लगे। यह देखकर पत्रकार कृपाल सिंह लोधी अपने मोबाइल से कवरेज करने लगे। पत्रकार द्वारा कवरेज करना नायब तहसीलदार को रास नहीं आया और गुस्से में नायब आदित्य सिंह गुर्जर ने पत्रकार का मोबाइल छीनकर अपनी जेब में रख लिया और रक्षकों को आदेश दिया कि पत्रकार को पकड़कर गाड़ी में डालो और डंडे लगाओ, जिस पर आरक्षकों ने पत्रकार के साथ मारपीट की और ज़बरदस्ती गाड़ी में डालकर बामौर कला थाना ले जाया गया। इस दौरान थाने जाकर पत्रकार को धमकाया और FIR कराने की धमकी दी गई एवं नायब तहसीलदार ने पत्रकार के मोबाइल का लॉक खुलवाकर कवरेज की हुई सारी वीडियो एवं फोटो डिलीट कर दी। हालांकि किसानों की शिकायत पर SDM ने बारदानों की समस्या का निराकरण कर तत्काल बारदानों की कमी को दूर किया गया। क्योंकि मैं थाने वहाँ पे कवरेज करने गया था, बारदाना बट रहा था किसानों के लिए, मैं कवरेज कर रहा था, इसलिए तहसीलदार आए, उनने नायब तहसीलदार जी कौन से हैं गुर्जर साहब, इनने मेरे साथ मारपीट की, अभद्रता की और पुलिस वालों से कहा कि इसको अंदर कर दो। जो वीडियो थे वो जो वीडियो थे डिलीट करवा दिए, जितने ही वीडियो बनाए थे मैंने उनकी बाइट थी, तहसीलदार की और किसान की बाइट भी थी उसमें। तो आपके साथ मारपीट भी हुई? हाँ, मारपीट। किसने मारपीट की है? बहुत चार कॉन्स्टेबल थे मामलो थाने से, उनके द्वारा। तो तहसीलदार उस समय मौजूद थे? हाँ, तहसीलदार ने तो मोबाइल छुड़ाया, मोबाइल छुड़ा के तहसीलदार ने रख लिया और एक पुलिस वाले से कह दिया इसको अंदर कर दो। तो आपको अंदर भी कर दिया? हाँ, अंदर किया, मोबाइल के जितने वीडियो थे पूरे डिलीट कर दिए। वीडियो में क्या था? वीडियो में था पुलिस वाले अभद्रता कर रहे किसानों से और पत्रकारों से, और बारदाने बांटे मनमानी कर रहे थे, मनमानी जीती, जिसको देना है देना है, जिसको नहीं देना नहीं देना है, ये कर रहे थे पुलिस वाले। तो आप पत्रकार हैं यहाँ के? यहाँ के पत्रकार हैं, नई दुनिया से, नई दुनिया देखते हैं। गाँव वालों ने इस घटना की सूचना खनिया थाना के ब्लॉक पत्रकार संघ को दी, जिस पर खनिया थाना ब्लॉक पत्रकार संघ के सारे पत्रकार एकत्रित होकर बामौर कला थाना पहुंचे, जिस पर थाना प्रभारी नीरज राणा द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए कृपाल सिंह लोधी को छोड़ दिया गया एवं जाते जाते नायब तहसीलदार आदित्य सिंह गुर्जर ने पत्रकार को खबर प्रकाशित करने पर FIR दर्ज कराने की धमकी दी। बलराम सिंह लोधी, क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर सब बारदाना बट रहा था, तहसीलदार साहब गाली दे रहे थे, पुलिस वाले मार रहे थे सब लोगों को, और ये कृपाल लोधी है जो वीडियो बना रहे थे, इसलिए इन्हें मारा गया। अच्छा, इनको मारा, तुम्हारे सामने मारा? हाँ, हमारे सामने मारा सर। कृपाल लोधी कौन थे? पत्रकार। पत्रकार हैं? ये कौन सा खरीदी केंद्र है? खरीदी केंद्र पिपरा। पिपरा है? तो आपके सामने ही मारा है? हाँ, हमारे सामने मारा। मेरा नाम सतपाल सिंह लोधी। क्या हो गया, क्या मामला घटित यहाँ पर? ये मामला हुआ कि तहसीलदार साहब आए तो उन्होंने सभी लोगों को गालियाँ दी, और ये हमारे कृपाल सिंह लोधी हैं जो। कृपाल सिंह लोधी कौन है? पत्रकार। हाँ, तो इनके ऊपर, इनका पहले मोबाइल छीना और फिर इनके ऊपर डंडे बरसाने लगे। तो मोबाइल किसने छीना? मोबाइल छीना तहसीलदार साहब ने। डंडे किसने दिए? डंडे पुलिस वालों ने। पुलिस वालों ने? हाँ। तो तहसीलदार ने बोला होगा पुलिस वालों? हाँ, तहसीलदार साहब ने बोला होगा कि इसमें डंडे मारो, तभी तो मारे पुलिस वालों ने। तो इनको थाने भी ले गए? थाने भी लेके गए थे, पुलिस की गाड़ी में डाल के थाने भी लेके गए थे। कितने पुलिस वाले थे लगभग वहाँ? चार पाँच लोग थे। चार आर्मी के? चार लोग थे, एक दरोगा जी थे। एक तरफ जहां प्रदेश की शिवराज सरकार पत्रकारों के हित की रक्षा करने का दावा करती है, वहीं उनके सारे नुमाइंदे अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए अब पत्रकारों को निशाना बना रहे हैं। खनिया थाना से शुकांत सोनी की रिपोर्ट।